आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम प्रयास देशमुख है। आप ये जो क्लाउड किचन चला रहे हैं जस्ट भाई के नाम से, ये कब से आप चला रहे हैं? ये मैंने इसकी शुरुआत 22 नवंबर को की थी लास्ट ईयर, और तब से हम ये कंटिन्यूसली अभी चला रहे हैं। लोगों का कैसा रिस्पांस है? लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस है। क्यों? क्योंकि जो मैं इधर सर्व करना चाह रहा हूँ, जो मैं इंग्रेडिएंट यूज़ करना चाह रहा हूँ और जो करता हूँ यहाँ, वो बहुत कम है भोपाल में, और इसके लिए आपको बड़े बड़े होटलों में जाना पड़ेगा, जो मैं क्लाउड किचन के माध्यम से आपको देने की कोशिश करता हूँ, और लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपका ये जो कॉन्सेप्ट है क्लाउड किचन में थाई फूड सर्व करने का, ये कॉन्सेप्ट आपको कब आया और कैसे? एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट ऐसे आया कि मुझे खाना था कुछ ऐसा जो मैं मुंबई में खाता था जब मैं ओबरॉयज में काम करता था, या मैं जब जॉब पे था तब जो खाना बनाता था वो भोपाल में था ही नहीं, और भोपाल में जो खाना था वो हर जगह था। तो कुछ खाते खाते सोचते सोचते पता चला कि यार कुछ करना चाहिए, क्योंकि हमने इस फील्ड में काम किया है और भोपाल में ऐसा कुछ नहीं है। बस वो पहली सोच थी। फिर मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे दोस्तों का, मेरे सीनियर्स का, जिन्होंने मुझे रास्ता दिखाया, और देन फिर मैंने जस्ट है स्टार्ट किया। आप इसके पहले आपने क्या पढ़ाई की होगी? सो मैंने BSc किया है IHM भोपाल से। उसके बाद मैंने मेरी जर्नी स्टार्ट की थी सयाजी होटल लिमिटेड से। फिर मैं मुंबई गया ओबरॉयज में, फिर मैं मैरियट ज्वाइन किया, JW मैरियट, और फिर मैं कोविड में भोपाल आया। भोपाल में आने के बाद खुद को समय दिया और फिर मैंने ये सारी चीज़ें समझी। तो ये जो आप क्लाउड किचन में अपना खाना बनाते हैं थाई फूड, तो ये क्या आप अकेले बनाते हैं फिर आपकी टीम है? सो यहाँ मेरी पूरी टीम है। पहले मैं खुद बनाता था, अभी मैंने मेरी टीम को हायर किया है, उनको ट्रेन किया है, और अभी मैं फ्री रहता हूँ, वो बनाते हैं। जैसे मैं बना सकता था अभी वो बनाता है। थाई किचन बाकी किचनों से ऐसे डिफरेंट है कि हम यहाँ जो इंग्रेडिएंट यूज करते हैं वो इंग्रेडिएंट प्रीमियम है। यहाँ जस्ट थाई के अंदर आपको वकामे सीवीड मिल जाएगा, यहाँ एदमा में मिल जाएगा, यहाँ अनेक प्रकार के क्यूरियस इंग्रेडिएंट है जो हमारे खाने में डलते हैं और जो हमारे खाने को बहुत टेस्टी बनाते हैं। दूसरी चीज, जस्ट थाई में जब हम खाना सर्व करते हैं वो इको फ्रेंडली कंटेनर्स है, जिससे इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एक इनिशिएटिव है। हम जिसमें सर्व करते हैं वो बैम्बू के कंटेनर्स हैं, और इससे भी ज़्यादा हम लोग हर ऑर्डर्स पे, कुछ ऑर्डर्स पे हम लोग ट्री प्लांटेशन भी करते हैं, जिससे एनवायरनमेंट में पोल्यूशन कंट्रोल हो। पोल्यूशन कंट्रोल मतलब हमारे तरफ से एक इनिशिएटिव है जिससे हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एनवायरनमेंट को। तो आपका ये जो बिजनेस है, तो आपने कितने से शुरू किया था और अभी आपको कितना मुनाफा हो रहा है? सो मैंने मेरा किचन मात्र 3 लाख रुपए में स्टार्ट किया था। अभी मुनाफे की तो बात नहीं कर सकता, बट क्योंकि आपने पूछा है तो मैं बताना चाहूँगा कि जितना मैंने लगाया था उससे मैं कहीं ज़्यादा अभी कमा चुका हूँ और कमा रहा हूँ। प्लस मैं ये देखता हूँ, मेरा विजन ऐसा है कि अभी मैंने कुछ भी नहीं हासिल किया है, तो मुझे अभी बहुत सारे हाइट्स टच करने हैं, उसके बाद ही मैं इसका आपको जवाब दे पाऊंगा। एटलीस्ट मैं 1 साल पुराना हूँ, उसके बाद मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। और लोगों का रिस्पांस कैसा आ रहा है आपकी फूड को लेके? लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा है। लोगों का कुछ नए लोग आते हैं जिन लोगों ने कभी खाया नहीं है, तो बहुत अच्छा लगता है सुन के कि ऐसा कभी भोपाल में नहीं खाया है जो आप यहाँ से दे रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा लगता है सुन के। और इसके साथ एक प्रेरणा मिलती है कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं और हमें इससे और आगे जाना है। जैसा कि अभी आपका क्लाउड किचन है, तो अभी तो आपके 7 महीने हुए, क्या आपका कोई प्लान है आगे का कि आप इसके बाद क्या करना चाहते हैं? इसको कोई नया रूप, रेस्टोरेंट का रूप, ऐसा कुछ देना चाहते? बिल्कुल, मेरा प्लान ये है कि मुझे इसे क्लाउड किचन ही रखना है। प्लस मेरा प्लान ये है कि अगर ये ऐसा रिस्पांस आप लोग के द्वारा या सभी जो हमें पसंद करते हैं उनके द्वारा मिलता रहे, तो मैं इसको इंदौर ले जाना चाहूँगा जल्द से जल्द, मे बी अगले साल। और अगर कोई नया रेस्टोरेंट आप, मतलब जैसे आपने क्लाउड किचन ओपन किया, इसमें आपको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, अगर कोई और सेम फील्ड में आना चाहता है तो उसको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? आप अपना अभी खाना हर कोई खोलता है, जितने खुलते हैं उससे ज़्यादा बंद हो जाते हैं, स्वाद वही है। तो मैं एक छोटी सी एक टिप देना चाहूँगा कि सबसे पहले ये समझे कि मार्केट में क्या नहीं है, सबसे पहले ये समझे कि आप क्या इजीली प्रोवाइड कर सकते हैं जो मार्केट में बाकी लोगों को प्रोवाइड कराने में, बनाने में या सर्विस करने में थोड़ी कठिनाई होगी। आप उसको ब्रेक डाउन करिए, उस चीज़ को लाइए, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, खाना नहीं, कोई भी चीज़ हो, उस चीज़ को इंडल्ज करिए। आपको जो प्लान मिलेगा वो बेहतरीन मिलेगा। अब जब आपके पास प्लान है तब आप कंपोनेंट वाइज उसको सोचिए कि आप कैसे उसको पॉसिबल कर सकते हैं।